तो गाइस ये हमें अचार बना दिया, तो चलो ट्राई करते हैं कैसी बनी हुई है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं हम इसे। ओके अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी चाट की रेसिपी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेन जो हमें चाहिए होंगे उसमें वो है चने। चने आपको इसमें ज़्यादा उबालने, अच्छा चाट में जो है ना चने ज़्यादा उबले हुए अच्छे लगते, ज़्यादा गले हुए, ठीक है। और इसमें जाएंगी सब्जियाँ जैसे कुकम्बर, टमाटर और प्याज, इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो मैं सीड्स जो है ग्रीन चीज के वो निकाल दूंगी। और ये चने देखें मैंने ज़्यादा बॉयल किए हुए हैं, पहले हम एक बाउल के अंदर ये डालेंगे। इसके बाद जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, अच्छा ये आलू उबले हुए आलू हैं, क्योंकि मैं ये हेल्दी वे में बना रही हूँ तो मैं आलू इसमें कम ही रखूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे खीरा, टमाटर और प्याज, ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पाइसेस में खाली इसमें नमक और चाट मसाला जाएगा। दही आप अपने हिसाब से, जो ज़्यादा गाढ़ी चाट पसंद करते हो ज़्यादा डालें, इट्स अप टू यू। तो पहले हम इसमें खीरा, मैंने एक अदद खीरा लिया है, उसको चीर के क्यूब्स में कट किया है और सबको चॉप करके मैंने डाला है इसके अंदर। एक आलू मैंने बॉयल किया था, उसका आधा हिस्सा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। कुछ में हरी मिर्चें और हरा धना भी डालूंगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी, लास्ट में डालूंगी। फिर बनाना बहुत आसान है, अब शाम को चाय के साथ अगर कोई डाइट पे है तो वो लंच में या डिनर में भी ये ले सकता है। दही हम इसमें ऐड करेंगे, स्पाइसेस मैंने खुद कम रखे हैं, बच्चे भी खा सकें बड़े भी खा सकें। और जिससे ज़्यादा करना होगा वो चाट मसाला ज़्यादा ले सकते, चिली फ्लेक्स भी आप ले सकते हैं। अच्छा मेरे पास चाट पापड़ी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप डालें, उसे और ज़्यादा क्रंच आएगा और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप चने बॉयल करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, जिस टाइम आपका मूड हो चाय का, जिस दिन रेनी वेदर होता है उस दिन तो ज़्यादा मूड होता है इंसान का चाय के साथ कोई भी चटपटी चीज़ हो। तो अगर आपके पास उबले बने पड़े होंगे छोले तो आप इजीली बना सकेंगे। मुझे दही कम लग रहा था तो मैंने एक कप और इसमें ऐड कर दिया। मेरे घर में दही ज़्यादा पसंद किया जाता है चाट में। इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल दूंगी और जिसे ज़्यादा चाहिए होगा वो खुद अपने हिसाब से डालेगा। गार्निशिंग के लिए मैं चाट मसाला और हरा धनिया डालूंगी। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं डाइट के हिसाब से या डेली के हिसाब से, तो मैं उस पर काम करूँगी। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी लग रही, ग्रीन कुकम्बर का कलर, रेड टमाटर का कलर, प्याज, देखने में जितनी मज़ेदार है खाने में उससे ज़्यादा है। तो गाइस ये मेरी मम्मी ने अचार बना दिया, तो चलो ट्राई करते हैं कि कैसी बनी हुई है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं हम इसे। ओके बहुत अच्छी है, आपको ये ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है। तो खाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।